Student, how are you? I hope you will be fine. आज आपको आपकी थर्ड असेसमेंट की रिजल्ट मिल गया होगा. आज मैं आपको कुछ मिस्टेक्स दिखाऊंगी और कुछ अच्छे स्टूडेंट्स की पेपर्स के बारे में बताऊंगी, पेपर अटेम्प्ट करने का अच्छा तरीका. ये देखिए बच्चों, ये देखें स्टूडेंट्स, ये एक स्टूडेंट ने इलेक्ट्रिसिटी को, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, उसके अंदर इरेलेवेंट डिटेल जारी दे दिए करंट के बारे में और इलेक्ट्रिसिटी का कोई जिक्र नहीं किया. इसके लिए सिंपल जो आपको देना था ये था कि इट इज़ अ वेरी कॉमन फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स इन मूविंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. पेयर देखिए, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस की सारी डिटेल दे दी है, लेकिन जो प्रॉपर डेफिनेशन थी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड टू वन कूलम्स चार्ज बाय अ बैटरी इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल डिफरेंस, ये आपने मेंशन नहीं किया. इसी तरह से जब आपसे ये क्वेश्चन किया गया कि विच क्वांटिटी डज ओम लॉ रिलेट, तो उसमें आपने बताना यह था इट रिलेट्स करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, और उसके लिए आपने इक्वेशन दे दी थी. डिटेल की जरूरत नहीं थी इस तरह से, ये ठीक किया हुआ इन्होंने, इसमें इक्वेशन दी हुई है. इस तरह से आपको डेफिनेशन देनी थी और उसके लिए आपको ये बताना था इक्वेशन की फॉर्म में. ये क्वेश्चन इनका ठीक है. आगे देखते हैं हम, ये भी इन्होंने ठीक किया हुआ, ये तरीका है डिफरेंस बताने का. आप देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज़ द रोल ऑफ फ्यूज़, फ्यूज़ का रोल क्या है. आपने फ्यूज़ को तो एक्सप्लेन कर दिया कि फ्यूज़ क्या है, लेकिन उसका रोल क्या है. रोल ये है कि इफ़ करंट एक्सीड्स द लिमिट द फ्यूज वायर मेल्ट टू ब्रेक द सर्किट. इससे क्या होता है कि आपकी जो वायरिंग है उसमें किसी किस्म का डैमेज नहीं होता, ये इसका मेन रोल है. आप यहाँ देखिए कि आपसे पूछा गया था कि ये इक्वेशन, दिस वन, ये किस चीज़ को शो करती है. इसके लिए इन्होंने जो आंसर देना था इसके अंदर, जो कि एक्चुअली पूछा गया था, वो आपने इसके अंदर दे दिया. और आंसर में क्या आना था, इसके आगे आपको ये इसको लिखना था, राइट. लेकिन यहाँ पे उन्होंने उसको सॉल्व करके कुछ अलग से एग्जांपल्स के तौर पे दे दिया है, ये नहीं था. इसका आंसर जो था वो ये था, ज़्यादा स्टूडेंट्स ने दिया है, बस इन्होंने ही एक यहाँ पे गलती की हुई थी. इसी तरह यहाँ देखिए कि व्हाट डज अ सेटअप ट्रांसफार्मर डू, क्या करता है अ सेटअप ट्रांसफार्मर, इंक्रीज द वोल्टेज. इसी तरह से ये देखिए इन्होंने ये ठीक किया हुआ है. नेक्स्ट आगे बाकी इनका बेहतर है. अब ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसके अंदर काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस की जो डायग्राम थी वो नहीं दी हुई है. ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो एक इम्प्रेसिव असर डालती हैं, इफेक्ट देती हैं, और उसके मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करती हैं. स्टूडेंट्स अभी मैं आपको एक बेस्ट पेपर दिखा रही हूँ, इसमें देखिए इन्होंने कितने अच्छे तरीके से हेडिंग से के हाईलाइट करके सारे पेपर को अटैम्प्ट किया हुआ. ये देखिए किस कितना इम्प्रेसिव इनका इफेक्ट आ रहा है, इससे मार्क्स स्कोर करने में बहुत हेल्प रहती है. इनकी भी थोड़ी थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं, जैसे उन्हें इक्वेशन नहीं दी हुई है, इक्वेशन लिखनी ज़रूरी थी, वहाँ से मार्क्स करते हैं. कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स तो हर जगह होती हैं. इसी तरह ये देखिए इनका बाकी सब भी कितना अच्छा इफेक्ट दे रहा है. अगर आप इस तरीके से पेपर अटैम्प्ट करते हैं तो आपको ऑब्वियस है कि मार्क्स अच्छे मिलेंगे, और जितनी कम आपकी मिस्टेक्स होती हैं वो आपको बेटर रिजल्ट देती हैं. ये देखिए इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पेपर को अटेम्प्ट किया है, और यही प्रॉपर वे है, मार्क्स भी बेस्ट आए मैक्सिमम. इन्होंने भी यहाँ पे फिगर नहीं दी गई, फिगर आनी चाहिए थी, लेकिन ये है कि आप लोग पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं काम, इसको लर्न भी कीजिए. ये तो आपका वोकेशन असाइनमेंट है, लेकिन आपको कोशिश करना है कि नेक्स्ट आपकी बेहतर रिजल्ट हो. ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.